ये किला सदियों पुराना है। इस कदीमी किले को एक बादशाह ने तामीर कराया था। किसी जमाने में ये किला बेहद खूबसूरत, मजबूत और आबाद रह चुका है, लेकिन मौसम के थपेड़ों, हवा की सूखी चोटों ने आज इस किले को वीरान और बोसीदा बना दिया है। अब ये किला हुकूमत के ज़ेर निगरानी में है। सिर्फ सैलानी और मुल्क के मुनाजीर ही कभी कभी यहाँ सैर व तफरी के लिए आते हैं। इस दरवाजे के नीचे की तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जो किले के तहखाने तक जाती हैं। किले के निगरान लोगों का मानना है कि तहखाने में एक जिन रहता है। इसकी वजह से इस किले में सनसनीखेज दहशत ज़दा आवाज़ें आती हैं और इसी वजह से किले के तहखाने में किसी भी इंसान के जाने पर पाबंदी लगाई गई है। ये जनाब है मियाँ गुलफाम। कद से छोटे हैं मगर उम्र से काफ़ी बड़े हैं। मियाँ गुलफाम पेशे से एक गाइड हैं। ये ज़्यादातर बच्चों के लिए अपनी सलाहियत का इस्तेमाल करते हैं और बच्चों की राहबरी करते हैं। आज मियाँ गुलफाम बच्चों को किला दिखा रहे हैं। ये चारों बच्चे शक्ल से भोले भाले और मासूम लगते हैं, लेकिन है बहुत शरारती। ये बच्चे मियाँ गुलफाम की हिदायतों पर बिल्कुल अमल नहीं कर रहे हैं। ये बच्चे शायद किले के तहखाने में जाने की फिराक में लगे हैं, लेकिन मियाँ गुलफाम बच्चों को तहखाने में ले जाने से इनकार कर रहे हैं। अरे अरे, ये क्या, ये बच्चे तो तहखाने जाने वाली सीढ़ियों की तरफ चल दिए। अब क्या होगा, खुदा खैर करे। वाह यार, ये बेसमेंट तो बहुत ब्यूटीफुल है। लगता है तहखाने में कोई है। बच्चों घबराओ मत, हो सकता है हमारी तरह कोई तहखाना देखने के लिए आया होगा। मुझे लग रहा है कोई रो रहा है। कौन रो सकता है? शायद कुत्ता या बंदर होगा जो भूख से रो रहा होगा। हो सकता है उसे अपने अम्मी की याद आ रही हो। पर अगर कोई ना हो तो? चलो चल कर देख ही लेते हैं। यहाँ तो कोई नहीं आता, फिर तुम यहाँ कैसे आए? अंकल जरा दिखाना प्लीज। हम यहाँ घूमने तुम सब यहाँ से फौरन भाग जाओ, वरना यहाँ का जिन तुम सब बच्चों को अपनी बोतल में बंद कर लेगा। ए गाइस, ये है ना जोक मार रहा है, इसकी बात पे यकीन मत करो। हाँ, ये शक्ल से भी किसी सर्कस का जोकर लगता है। मैं जोकर नहीं, जादूगर हूँ, और इस तहखाने के जिन को अपनी बोतल में गिरफ्तार करने आया था। मगर क्या मत पूछो मेरी दुख भरी दास्तान।
अगर तुम सुनोगे तो तुम्हारी हंसी छूट जाएगी और मेरे आंसू फूट पड़ेंगे। अबे ओ किससे बातें बना रहा है? मेरे कपड़े धोए या नहीं? जा रहा हूँ मामू, मेरा फूफा हाँ खा लू लुंगी लेकर धोने ही तो जा रहा हूँ। मेरे हाथ में अरे भैया क्या ड्रामा है? अरे मुझे क्या पता, मैं इस जगह पे पहली बार आया हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि तहखाने के अंदर मत जाओ मत जाओ, मगर तुम बच्चे लोग मानते ही कहा हो, हमको बच्चों समझते हो। अरे गाइड अंकल अब डरना बंद कीजिए, चलिए अंदर चलते हैं। नहीं नहीं मैं नहीं जाता हूँ, आप जाइए। अरे मैं हूँ ना, डरो मत। चलिए चलिए। वाओ क्या बेसमेंट है यार, ब्यूटीफुल है ना बहुत। सुभान अल्लाह कौन कौन है भाई, कौन है? तुम जो भी हो तुमसे डरने वाले नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन कौन है आप? ए आदमजात बच्चों, मैं इस तहखाने का जिन यक्तनूस मलंग हूँ। पर तुम कहाँ हो और हमें दिख क्यों नहीं रहे? मैं इस बोतल में बैठा हुआ तस्बीह पढ़ रहा हूँ। सुभान अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। हैरत से क्या देख रहे हो? ठहरो मैं बाहर आकर तुमसे बात करता हूँ। घबराओ मत आदमजात बच्चों, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आप हवा में कैसे उड़ रहे हो? आपको मैजिक आता है? मैं एक जिन हूँ, ईमान वाला जिन। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत सारी जादुई ताकतें बख्श रखी हैं, इसलिए मैं कोई भी हैरत अंगेज कारनामा अंजाम दे सकता हूँ। आपको इस वीरान तहखाने में क्या डर नहीं लगता? मुझे सिर्फ अल्लाह ताला और जहन्नुम से डर लगता है। क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है बच्चों? थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। डरो मत, मैं बुरा जिन नहीं हूँ, सिर्फ बुरे जिन ही इंसानों को डराते हैं। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ आदमजात बच्चों। पर तुम हमारे दोस्त कैसे हो सकते हो? तुम तो बहुत बड़े हो। हाँ मैं तुमसे बड़ा हूँ, यही कोई तकरीबन 600 वर्षों से मैं इस तहखाने में इबादत कर रहा हूँ। खैर छोड़ो, अब तुम सब लोग बैठ जाओ। ए आदमजात बच्चों, पहले मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी कर दूँ, उसके बाद बाकी बातें। शू
आओ दूसरे हाथ में आओ। अंकल, आपको तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी मेहमान की मेहमान नवाजी अल्लाह के रसूल की सुन्नत है और हर ईमान वाले को इस सुन्नत पर जरूर अमल करना चाहिए। ऐ आदमजात बच्चों, तुम इस तहखाने में कैसे आए? जिन अंकल, हम तो किला घूमने आए थे पर घूमते घूमते यहाँ पर आ गए। और मुझसे मुलाकात हो। जी अंकल, क्या आपकी पूरी फैमिली यहीं रहती है? नहीं बच्चों, मेरा पूरा खानदान कौकाफ के पर्वत पर रहता है। यहाँ पर तो सिर्फ इस तहखाने में मैं अकेला रहता हूँ। जी अंकल, आप यहाँ अकेले रहकर बोर नहीं होते? बोर नहीं, मैं इस तहखाने में दीनी और तारीखी किताबों का मुताला करता हूँ, नबी ताहबाओं के किस्से पढ़ता हूँ, उसी से मेरा वक्त गुजरता है। जी अंकल, हमें भी कोई किस्सा सुनाइए ना। ठीक है, किस्सा सुनना चाहते हो? एक मिनट ठहरो, मैं अपने आराम शाह को बुला लूँ। आओ सारे वक्त बच्चों, मैं तुम्हें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाता हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और एक अजीमुशान बादशाह था। आपकी हुकूमत हवा पर, समंदर पर, पानी पर और समुंदर में रहने वाली मखलूकात पर थी। हवाएं आपके तख्त को उड़ाकर इधर उधर ले जाया करती थी, तमाम मुल्कों की सैर कराया करती थी और खूंखार दरिंदे, मासूम परिंदे और चरिंदे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए आया था। और आपके लश्कर अजीम एक से एक बड़े ताकतवर जिन्नात थे जो बहुत ही अजीब व गरीब सलाहियतों के मालिक थे। वो जमीन से लेके आसमान तक अपना कद कर लेते और चाहते तो राई की बराबर भी अपना कद कर लिया करते थे। वो बिजली की रफ्तार से जमीन पर दौड़ सकते थे और रोशनी की रफ्तार से हवा में उड़ते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर में एक से एक कुव्वत और ताकत वाला इंसान भी था। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, क्या तुम जानवरों की, परिंदों की, चरिंदों की जबान समझते हो या बोलते हो? मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, तोता, शेर, लकड़बग्घा इन सब की जुबान बाखूबी बोलते भी थे और समझते भी थे। शायद तुम लोग नहीं जानते, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस की तामीर जिन्नातों से कराई थी। जी अंकल, ये बैतुल मुकद्दस क्या चीज है? तुम कैसे मुसलमान बच्चे हो, तुम्हें बैतुल मुकद्दस का नहीं पता? बैतुल मुकद्दस क़िबला अव्वल का नाम है। जब खाना या काबा की तामीर नहीं हुई थी तो बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाज अदा की जाती थी। और हाँ, बैतुल मुकद्दस की तामीर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों से कराई थी। उस वक्त भी जिन्नात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम से खौफ खाते थे और आज भी तमाम दुनिया के जिन्नात
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम से खौफ खाते हैं। और जब बैतुल मुकद्दस की तामीर मुकम्मल हो गई तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मक्का मुअज्जमा जाने का इरादा बनाया। उन्होंने अपने तमाम लश्कर को इस बात का हुक्म दे दिया कि वो तैयारियां शुरू करें। सारे लश्कर ने तैयारियां शुरू कर दी और एक मैदान में इकट्ठे हो गए। उस मैदान के अंदर बहुत लंबा लश्कर तैयार हो गया, इतना लंबा लश्कर तैयार हो गया। जिंद अंकल कितना लंबा था? यही कोई 30 मील लंबा। 30 मील? ये 30 मील कितना होता है? 30 मील यही तकरीबन कोई 48 किलोमीटर। 48 किलोमीटर? आगे का किस्सा तो सुनो। जब हजरत सुलेमान का लश्कर चलने के लिए तैयार हो गया तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया कि ए हवा, इस लश्कर को उड़ाकर मक्के मुअज्जमा पहुंचा दे। तो हवा का एक बहुत बड़ा सा बहोला आया और हजरत सुलेमान के तख्त समेत पूरे लश्कर को अपने आगोश में लेकर हवा में उड़ता हुआ मक्के मुअज्जमा ले आकर के पहुंचा दिया। कुछ अरसे तक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मक्के मुअज्जमा में रहे। वहां 5,000 ऊंट, 5,000 बकरियां और दिगर हलाल किए जाने वाले जानवर ज़िबह करते रहे। ये कान में पता नहीं क्या हो गया है, ये क्या घुस गया। अरे अलाउद्दीन, अलाउद्दीन, वल सलाउद्दीन, अरे मेरे कान में खाज हो रही है, जरा लकड़ी का एक तिनका ले आ। जिन अंकल, लगता है कि आपके कान में कोई चींटी घुस गई है। चींटी नहीं, मच्छर घुस गया है शायद। इस शहर में गंदगी बहुत हो रही है जिसकी वजह से मच्छर पैदा हो रहे हैं। देखना जिन बाबू, इससे तुम्हारा काम चल जाएगा क्या? अबे कान खुजाने के लिए मैंने तुझसे तिनका मंगाया था, फर्नीचर बनाने के लिए शहतीर नहीं। दफा हो जा, दफा हो। बदतमीज। लगता है इस मारपीट में मच्छर कहीं निकल भाग गया। अरे हम कहाँ थे? जानवर जिहा करते थे। हाँ, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के लिए खाने के लिए इन जानवरों की कुर्बानी दिया करते। और हमारे प्यारे आका हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत क्या करते थे कि इसी पाक सरजमीन से एक अरबी रसूल पैदा होगा जो आखिरी नबी होगा, उसके बाद दुनिया में कोई नबी पैदा नहीं होगा। मक्के मुअज्जमा के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सनाए मुल्क यमन पहुंचे। तुम्हें मालूम है कि मक्के मुअज्जमा से यमन का सफर कितना लंबा है? तकरीबन 1 महीने का। मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी गैबी ताकतों से वहां सिर्फ आधे दिन में पहुंच गए। अच्छा? वहां पर भी आपने कयाम करने का इरादा बनाया और ठहर गए अपने लश्कर के साथ। एक रोज की बात है, असर का वक्त था, आपको अपने लाओ लश्कर के लिए पानी की जरूरत थी, तो आपने पानी तलाश करने के लिए हुदहुद को तलब किया। हुदहुद का नाम याफूर था। अब मालूम हुआ कि याफूर गैर हाजिर है। तूने जलाल आ गया, बहुत तेज गुस्सा। उन्होंने कहा कि हुदहुद याफूर ने अगर उन्हें अपनी गैर हाजिरी का माकूल जवाब नहीं दिया तो
तो उसे सख्त से सख्त सजा देंगे और उसे ज़िबह कर देंगे। उन्होंने फौरन ही उकाब को बुलाया और कहा कि जाओ हुदहुद को ढूंढ के लाओ। उकाब आसमान में बहुत ऊंचे तक और पूरी जमीन को ऐसे छानने लगा जैसे इंसान के हाथ में प्याला हो और वो उसमें देख रहा हो कि बारीक से बारीक भी छोटी से छोटी चीज भी नजर आ जाए। अचानक उकाब की नजर यमन की तरफ से आते हुए याफूर पर पड़ी। उकाब फौरन हुदहुद के पास पहुंचा और उसे जाकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का फरमान सुना दिया और उसे अपने साथ लेकर फौरन बारगाह सुलेमानी में हाजिर हो गया। हुदहुद बेचारा डर से कांप रहा था, वो अपनी दुम नीचे किए निगाहों को झुकाए हुए जमीन पर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ हजरत सुलेमान के नजदीक पहुंचा। हजरत सुलेमान ने उसकी तरफ देखा और गुस्से और जलाल से उसकी गर्दन को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। हुदहुद ने कांपते हुए लरसते हुए लहजे में कहा कि अल्लाह के नबी, अपनी उस हाजिरी को याद करो जो आपको अल्लाह के सामने देनी। उसकी ये बात सुनकर अल्लाह के नबी ने हुदहुद की गर्दन छोड़ दी और उसे माफ कर दिया।